आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बिहार की। क्या बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है? दरअसल बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आते हैं और अब तो ऐसा लगता है कि सियासी पैंतरेबाजियों में नीतीश सरकार उलझी हुई है और इसीलिए अब कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुका है। क्राइम का ग्राफ बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है, जो इसकी गवाही भी देता है। वैशाली में व्यापारी और उनके बेटे को गोली मार दी गई। बदमाशों ने लाखों की नकदी और जेवरात लूट लिए। ये पहली घटना नहीं है, समझिए इसे। बिहार में महीने दर महीने अपराध के आंकड़े नीतीश सरकार को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। अब ऐसे में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं बिहार जंगल राज की तरफ एक बार फिर से तो नहीं लौट रहा। बिहार में बेलगाम अपराधी तेज रफ्तार से भागता। क्राइम ग्राफ बिहार में जंगल राज रिटर्न्स। सुशासन बाबू के राज में ऐसा लगता है जैसे बिहार का क्राइम ग्राफ बेलगाम हो चुका है। लूट, डकैती, किडनैपिंग, हत्या के मामले जिस तरह बेतहाशा पड़ रहे हैं, सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या बिहार में जंगल राज का अध्याय एक बार फिर बांचा जाएगा। अंधेरे में बिहार पुलिस सुराग खोज रही है। वैशाली की तस्वीरें हैं ये, जहां 10 मिनट के भीतर लूट की दो घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस मौका वारदात पर है। एसपी साहब की गाड़ी खड़ी है, एसपी साहब मौजूद हैं और पुलिस टॉर्च जलाकर मौका मुआयना कर रही है। बुधवार की रात गोरौल थाना इलाके में दो अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने दो जेलर्स को अपना निशाना बनाया। महज 10 मिनट के भीतर दो दुकानदारों से लुटेरों ने लाखों रुपए के आभूषण और नकदी लूट ली। इस दौरान लुटेरों ने दो लोगों को गोली भी मार दी। प्रथम दृष्टया उनके द्वारा जो पुलिस को बताया गया है कि उनके पास से कैश अराउंड 60,000 और करीब 5 लाख के जेवर जैसा उनके द्वारा बताया गया, जिसकी अभी हम लोग पता कर रहे हैं। दो घटनाएं घटी और दोनों घटनाओं पर संधान चल रहा है। हमारी उसमें स्पेशल टीम्स लग गई हैं, टीम का गठन किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। तो सवाल यही है कि आखिर कानून व्यवस्था किस अंधेरे में गुम हो गई है बिहार की? क्या मुद्दा अब अंधेरे में तीर चलाने पर आकर ही टिक गया है? खबर सुन लीजिए, फिर बिहार का क्राइम ग्राफ भी दिखाएंगे। वैशाली की पहली वारदात। ज्वेलर शत्रुघ्न साह अपने बेटे विवेक के साथ दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी गोढ़िया पुल के पास कार से आए लुटेरों ने दोनों को गोली मार दी। उनके पास से सारा सामान लूट कर वो फरार हो गए। दोनों गंभीर हैं और इनका इलाज पटना में चल रहा है। वैशाली की दूसरी वारदात गोरौला थाना क्षेत्र के ही बेलवा घाट की है, जहाँ दुकान बंद कर लौट रहे ज्वेलर्स राकेश कुमार को निशाना बनाया गया। शेखपुरा के पास लुटेरों ने राकेश से 5 लाख रुपए की ज्वेलरी और करीब 60,000 रुपए लूट लिए। तो फिर सवाल यही है कि सुरक्षा और जानमाल की गारंटी आखिर देगा कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात के अंधेरे में घर लौटने की वजह से ठीकरा पीड़ित पक्ष पर ही फोड़ दिया जाएगा, जैसे जहरीली शराब के मुद्दे पर हुआ था? उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपनसम के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। सच जो बिहार में क्राइम का है वो कड़वा है। आंकड़े जो बिहार में अपराध के ग्राफ के हैं, वो सुरक्षा को लेकर आशंका पैदा करते हैं कि आखिर सुरक्षित है कौन बिहार में? साल खत्म होने को है और इसी साल के अब तक के आंकड़ों को जरा देख लीजिए। 12 दिसंबर 2022, समस्तीपुर में 5 बदमाशों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पिस्तौल के बल पर 50 लाख रुपए की लूट की। 15 दिसंबर 2022 पटना में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 9 दिसंबर 2022 सीतामढ़ी में एक युवक की हत्या हुई और भोजपुर में ऑटो सवार युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। 7 दिसंबर 2022 पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में भारतीय स्टेट बैंक की एक ब्रांच से अपराधियों ने 12 लाख रुपए से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया। 19 सितंबर 2022 मुजफ्फरपुर में ICICI बैंक से 14 लाख रुपए की लूट हुई। आंकड़े अगर मजबूत गवाही देते हैं तो इन आंकड़ों को सुना जाना जरूरी है,
क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बिहार धीरे धीरे एक बार फिर उसी पटरी पर शिफ्ट हो रहा है जो जंगल राज की तरफ जाती है। बात इतनी भर नहीं है, अलार्म बज रहा है। जनवरी से लेकर अगस्त तक के आपराधिक मामले चौतरफा बढ़े हैं। इन 8 महीनों में बिहार में 2000 से ज्यादा मर्डर हुए, 185 डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया गया, 27,000 से ज्यादा चोरी की घटनाएं हुई, 3,000 से ज्यादा दंगे सामने आए, 8,119 अपहरण की घटनाएं घटी, 1,000 से ज्यादा रेप के मामले सामने आए, जबकि बच्चों की फिरौती के 26 मामले बिहार में जनवरी से अगस्त के बीच दर्ज हुए। सरकार बदली है लेकिन साहब तो वही है, समीकरण बदला है पर सिस्टम तो वही है, फिर अपराध की स्थिति बेलगाम क्यों होती दिख रही है? क्या बिहार का सिस्टम किसी दबाव में है? क्या कानून व्यवस्था कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है? सुशासन के डंके की आवाज कहीं सिर उठाते जंगल राज में दब तो नहीं रही? 2024 की सियासी और सत्ता समीक्षाओं से इतर बिहारियों की सुरक्षा समीक्षा ज्यादा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।